जितनी मेहनत हम करेंगे उतनी ही शानदार हमारी जीत हो। अगर यह लाइन किस पर आधारित है ये क्वेश्चन पूछा जाए सो डेफिनेटली द आंसर इज मैरी कॉम। हेलो फ्रेंड्स, आई एम युगा कुलकर्णी। आई एम वेलकम बैक विद न्यू वीडियो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैरी कॉम। मैरी कॉम का जन्म बहुत ही गरीब परिवार में 1 मार्च 1983 में हुआ था। उनके पापा फार्मिंग करते थे और उनकी मम्मी हाउसवाइफ थी। मैरी कॉम बहुत दूर दूर से लकड़ियां लाकर पापा को देती और उनको खेत में हाथ बटाती थी। ऐसे क्रिटिकल कंडीशंस में भी मैरी कॉम ने अपना सपना पूरा किया। व्हाट वाज हर गोल? हर गोल वाज बॉक्सिंग। जब उन्होंने बॉक्सिंग की कोचिंग एकेडमी स्टार्ट की थी और उन्होंने जब ज्वाइन किया था तब उनके कोच ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे ऐसी 5 रीजंस बताओ जिससे मैं आपको बॉक्सिंग सिखा सकूं। सो मैरी कॉम रिप्लाइड दैट कि आई लव बॉक्सिंग। पांचवा भी बताना पड़ेगा क्या? 5 रीजन बताओ कि मैं तुमको बॉक्सिंग क्यों सिखाऊं। बट उनके पास एक प्रॉब्लम था क्योंकि बॉक्सिंग करने के लिए मैरी कॉम को घर से कोई परमिशन या कोई इजाजत या कोई सपोर्ट नहीं था। उसके बावजूद उन्होंने बॉक्सिंग किया। क्यों? क्योंकि उनके पापा कहते थे कि ए लड़की है, बॉक्सिंग कर क्या करेगी? अगर पैर हाथ मुंह को कहां भी चोट आए तो उससे शादी कौन करेगा? ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए भी मैरी कॉम आज पूरे वर्ल्ड की बेस्ट बॉक्सर चैंपियन है। उनके लिए उनका सिर्फ एक ही गोल था, बॉक्सिंग 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 बॉक्सिंग। जैसे हमारे लिए हमारी दुनिया गोल होती है पर उनके लिए उनकी दुनिया स्क्वायर थी। ये बताओ दुनिया का शेप कैसा है? गोल सर। दुनिया के लिए चुंगी चुन, तुम्हारे लिए नहीं। आज से तुम्हारे लिए ये दुनिया सिर्फ ये स्क्वायर। मैरी कॉम को बॉक्सिंग सिखाने वाले कोच तो बहुत अच्छे थे पर उनकी कमिटी जो थी वो उनको बहुत ही बैड ट्रीट करती थी। वो बोलती थी कि गर्ल है मत करो, आप तुमसे नहीं होगा। और वो इतना निगेटिवनेस देती थी मैरी कॉम के ग्रुप को कि मैरी कॉम ने एक बार बोल कर उनसे ये कहा कि किसी को इतना भी मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। कभी किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। उन्होंने ALBA वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन में हिस्सा लेकर तुरंत ही 2001 में सिल्वर मेडल और 2002 में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। और ये सब इंफॉर्मेशन रेडियोज, न्यूज़पेपर और मोबाइल्स पर आने लगी। और जब से मोबाइल पर आने लगी तो उनको उनके पेरेंट्स को भी पता चल गया कि MC मैरी कॉम मतलब हमारी लाडली दुलारी मैरी कॉम। और तब से जब से उनके पेरेंट्स ने ये इंफॉर्मेशन TV पर देखी तब से पेरेंट्स ने भी मैरी कॉम को फुल सपोर्ट करना शुरू किया। 2005 में मैरी कॉम की शादी हो गई। शादी के बाद उनके हस्बैंड बॉक्सिंग में फुल सपोर्ट किया और सपोर्ट के कारण मैरी कॉम 2001, 2003, 2005, 2006, 2008 एंड 2010 एंड 2012 में मैरी कॉम ने अलग अलग क्षेत्रों में अपना अवार्ड हासिल कर लिया और दुनिया में बहुत अच्छा रिकॉर्ड मैरी कॉम ने फर्स्ट लेडी बनकर फॉलो किया। जब इंडिया के गवर्नमेंट को पता चला कि मैरी कॉम ने इतने सारे इयर्स में इतने सारे अवार्ड्स अपने नाम कर लिए सो 2003 में मैरी कॉम को अर्जुना अवार्ड देकर उनका नाम कर लिया और 2006 में उनको पद्मश्री अवार्ड देकर पूरे दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम कर दिया। और इसके बावजूद भी एक मैरी कॉम एक ऐसी लड़की है, एक ऐसी महिला है जो वो अकेली इतने सारे इयर्स में इतने सारे अवार्ड्स तो कैसे लगी आपको हमारी मैरी कॉम? अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
फिलहाल के लिए बाय बाय, नेक्स्ट मिलते अगली वीडियो में, बाय।